भाई सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई का चैनल है जमजम फूड के नाम से, जो जाके सारे सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई का चैनल है जमजम फूड के नाम से, जो जाके सारे सब्सक्राइब करें। घंटे भी पूरे करने भाई, 4000 घंटे के 40000 घंटे पूरे कर दे। 4000 घंटे भी पूरे करने भाई, 4000 घंटे के 40000 घंटे पूरे कर दे भाई। 4000 घंटे के 40000 घंटे पूरे कर दे। घंटे भी पूरे करने भाई, 4000 घंटे के 40000 घंटे पूरे कर दे। थैंक यू सर। जमजम फूड को सब्सक्राइब करो। जमजम फूड को प्लीज सब्सक्राइब। जमजम फूड। अस्सलाम वालेकुम। जमजम फूड आपके लिए न्यू ब्लॉग लेकर आया है। आपको बहुत पसंद आया होगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी सरप्राइज़ वीडियो कैसी लगी। और ये है मेरा सरप्राइज़, कैसा लगा आप लोग को ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही थी। और 14 अगस्त के हवाले से मैं आपके लिए एक मज़ेदार कलरफुल सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैप्सिकम को काट लेंगे। बस अगर आप डाइट कर रहे हो तो आप इस तरह की मज़ेदार और कलरफुल चीज़ें बना के खाएं ताकि आपका दिल करे, आप बोर ना हो। क्योंकि जब हम डाइटिंग कर रहे होते तो बहुत बोर हो जाते हैं रूखे पीके खाने खा के। तो अगर ऐसे ही मज़ेदार आप कलरफुल और अट्रैक्टिव और ज़बरदस्त सैलेड बनाओगे तो आपको बिल्कुल दिल चाहेगा, पूरा बॉल आप एक ही टाइम पर खा जाओगे, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। बस क्यूकम्बर मैंने इस तरह चॉप कर, आप किसी भी फॉर्म में काट सकते हैं। आइसबर्ग मैंने ऐड कर ली इसमें, तो बस आइसबर्ग का भी एक बहुत अच्छी क्रंची वो फ्लेवर आता है हमारे मुंह में, हम बहुत मज़े का लगता है। और सैलेड में रंग भरने के लिए मैंने कलरफुल कैप्सिकम कट करके डालने हैं। आपको जो भी चॉपिंग पसंद है आप वो डालें। फिर मैंने बारिश कर दी स्वीट कॉर्न की, स्वीट कॉर्न की आप इसमें बारिश कर दें। बस ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले हैं आप लोग की दुआओं से। तो बस मैंने ये छिड़क दिया लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद चीज़ें अब आती जाएंगी। और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बना के खा सकते हैं। चाट मसाला ऐड किया मैंने। असल में हम लोग मशरकी लोग हैं, हमें ना रूखा फीका नहीं पसंद, हम चाहते कुछ कलरफुल कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो हम इसको डाइटिंग करने में भी मज़ा आता है। तो बस आप दुआ करें कि मेरे साईं जो है ना डाइटिंग पे फोकस करें। मेरा तो बड़ा शौक है, मैं उनके लिए अच्छी अच्छी और अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती रहूँ। लेकिन कभी कभी तो दोस्तों में चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं साईं को लंच में अक्सर इस तरह मज़े मज़े की चीज़ें बना के दे रही होती हूँ। मैंने हरा धनिया ऐड किया, अभी मैंने ऑलिव्स ऐड करे, तो बस बातों में पता ही नहीं चला। इस तरह बस आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैंने इसको मिक्स किया, बस फिर हम अपनी प्रोसेस की तरफ जाएंगे। इसको पहले पैक कर ऑफिस के लिए मैं भेजूँगी, फिर मैं आप लोग को डेकोरेट करके भी दिखाऊँगी ताकि आपको बहुत वो लगे, पसंद आए। इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही यमी और क्रंची मज़े का, बस वो जो वेजिटेबल्स हैं वो जब मुँह में आते तो आहा, बहुत ही लाइक लेमन जूस का और चाट मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम मशरकी थोड़ा सा चटपटा और ये सारी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप बनाओ खाओ, आप इसमें कॉटेज चीज़ डाल सकते हैं, आप इसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन कभी मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बनाती रहती हूँ सैलड्स, तो मैं आपके साथ जैसे जैसे बनाती जाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो बस आप देखिए कितनी ही मज़ेदार की, अब मैं इसको पैक करके साइन के लिए भेजूँगी ऑफिस।
इसके साथ में चिकन सॉसेजेस भी बना के भेजती हूँ, कभी चिकन क्यूब्स बना के वो भेज देती हूँ, इट डिपेंड। बाकी ये मैंने स्टोर करके फ्रीज़र में डालने हैं। मैं इसी तरह अपना फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। एक दिन मैं आपको फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करना भी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो स्वीट कॉर्न है ये मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि ये स्वीट कॉर्न मुझे बहुत पसंद है। हम अक्सर स्ट्रीट पे और डॉनमेंट मोटारी रोड से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे हर जगह पे ये मिल रहे होते, लेकिन मैंने अब घर पे बनाए हैं। इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स, लेमन जूस, चाट मसाला ऐड किया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जाने वाली है, जो कि है नैंडोज की पेरी पेरी सॉस। आपको बहुत पसंद आएगी। इसको डालने के बाद जो इसका फ्लेवर आता है ना, OMG, बहुत ही मज़े का। बस और कुछ नहीं करना, मुझे स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है। बस मैंने सोचा साई के साथ कुछ अपने लिए भी कुछ बना लूँ, तो मैंने साइड में ये भी बना लिए। इसी तरह आप छोटी छोटी सी, अगर आपको कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहे तो आप ये खाएं। तो बस आप देखें, इतनी कोई मज़े की लग रही है। ये मैंने इसमें बस डाल दिया। साई को भी भेजूंगी मैं इंशाल्लाह। वैसे साई के सैलेड में स्वीट कॉर्न तो मैंने ऐड कर लिए थे। ये देखिए कोई मज़े के लग रहे, और इतने मतलब खट्टे और सावर। हाँ, इसमें आप नमक भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। मैंने ज़रा सा नमक ऐड शायद करा था। हाँ, मैंने नमक तो ऐड करा था। अब देखिए, मैंने मेरे पास एक कॉर्न की ट्रे थी तो मैंने उसमें कॉर्न डाल दिए, ताकि आपको मैं अच्छा सा प्रेजेंट करके दिखाऊँ। ज़मज़म फूड की तरफ से आप लोगों ने हमें प्रमोट करा, आप लोगों ने हमें पसंद किया, सब्सक्राइब करा, और मुझे वॉचर्स चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखें, ताकि हमारे वॉचर्स भी बढ़ जाएं, और आप लोग को भी मैं आप लोग के साथ इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह। तहयात हमारा साथ कायम दायम रहे, उम्मीद तो यही है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। देखें, ये मैंने चिकन बनाया था जो हम मैरिनेट करके बनाते हैं, उसके साथ मैंने ये स्वीट कॉर्न बना दिए, सैलेड बना दी। बस ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। Thanks for watching Zamzam Food.